नमस्कार, आप देख रहे हैं कंचन टीवी। आपके साथ मैं हूं गौरव राजपूत। हरियाणा के पंचकुला में डॉक्टरों ने जब एक बच्ची के पेट की सर्जरी की तो चिकित्सक एक चीज देखकर हैरान रह गए। जी हां, बच्ची के पेट से डॉक्टरों ने सर्जरी कर 1.5 किलो वजन के बालों का एक गुच्छा निकाला है। लेकिन बड़ा प्रश्न कि आखिर एक 6 साल की बच्ची के पेट में इतने बाल आए कहां से। मिली जानकारी के अनुसार चंडीगढ़ की रहने वाली 6 साल की गुरलीन कुछ समय से बीमार चल रही थी। उसको पेट में दर्द की शिकायत थी और साथ ही उसका पेट भी बाहर की ओर निकल आया था। इसकी वजह से उसे भूख नहीं लगती थी, खाना पीना छोड़ दिया था और इसके चलते वह काफी कमजोर हो गई थी। इसके बाद जब गुरलीन के परिजन उसे पंचकुला सेक्टर 6 स्थित एक अस्पताल लेकर आए तो डॉक्टरों ने जांच करने के बाद सर्जरी करने का फैसला किया। लेकिन सर्जरी करने के बाद डॉक्टरों ने उसके पेट से 1.5 किलो वजन का एक गुच्छा निकाला, जो बालों का एक गुच्छा था। इसे देखकर डॉक्टर काफी हैरान रह गए, क्योंकि इतनी छोटी बच्ची के पेट में इतने ज्यादा बालों का मिलना एक आम बात बिल्कुल भी नहीं हो सकती है। इसके बाद खुलासा हुआ कि दरअसल गुरलीन को बाल खाने की आदत लग गई थी, जिसकी ओर परिवार का ध्यान नहीं गया। इसकी वजह से सालों से धीरे धीरे कर उसके पेट में बाल इकट्ठा होते गए और जब इनका गुच्छा इतना ज्यादा बड़ा बन गया कि गुरलीन को आगे चलकर इसकी वजह से प्रॉब्लम आने लगी, पेट दर्द की शिकायत वो करने लगी। लेकिन बड़ी बात यही कि आखिर इस तरह की जब घटनाएं होती हैं तो जो घर वाले हैं, परिजन हैं, उनका बच्चों की ओर ध्यान क्यों नहीं जाता। क्योंकि बाल खाना एक आम बात कतई नहीं हो सकती, एक यूजुअल थिंग बिल्कुल भी नहीं है। तो ऐसे में परिजनों ने गुरलीन का कहीं ना कहीं ध्यान नहीं रखा, जिसकी वजह से धीरे धीरे कर उसके पेट में बाल इकट्ठा होते गए। आपको बता दें कि ट्राई सिटी में यह अपने आप में एक पहला ऐसा मामला सामने आया है जहां इतनी छोटी बच्ची के पेट में 1.5 किलो वजन की जो बाल हैं वो पाए गए हैं। क्योंकि इससे पहले आज तक ऐसा मामला पूरी ट्राई सिटी के अंदर देखने को नहीं मिला है। इसी के साथ ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक कीजिएगा, और यदि आपने भी ऐसा मामला पहली बार ही सुना है तो इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। और इसी के साथ देश और प्रदेश से जुड़ी तमाम खबरों के लिए देखते रहें कंचन टीवी।